हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं हमारी गेस्ट कुक के द्वारा बनाया गया कढ़ाई पनीर। आशा है कि आप इसको एंजॉय करेंगे। बनाइए और रेसिपी को देखिए। मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर। क्या कढ़ाई पनीर? ठीक है, मैंने 3 प्याज लिए हुए हैं। 3 प्याज में मैंने ये जो है इस प्याज को इतना छोटा छोटा सा अलग अलग से निकाली हूँ, और 1 शिमला मिर्च। ठीक है, और इस प्याज से मैंने इसमें जो छोटा छोटा सा प्याज निकला है उसको फेंका नहीं है, मैं इसमें यूज कर लूंगी। इस प्याज को इसमें छोटे कर लेती हूँ। 2 टमाटर लिया हुआ है, अब मैं इसमें टमाटर ले लूंगी। 2 हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा अदरक दिया है, थोड़ा सा लहसुन दिया है, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है, बस इसको हल्का सा फ्राई करना है। इसको निकालना है 2 चम्मच, इसको करना है। इसका मैंने पेस्ट बना लिया, जो मैंने इसको सॉटे किया था, प्याज और लहसुन अदरक और टमाटर। इसमें जाएगा 1 सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा खड़ा धनिया। फिर मैंने इसको पेस्ट को इसमें डाल दिया, थोड़ी सी अगर आप मिर्ची खाते हो तो थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ये गरम मसाला अलग से है, और स्वाद अनुसार नमक। इसको अच्छे से भून लेना है। इसमें मुझे थोड़ी सी क्रीम डालनी है, अगर आपके पास क्रीम है तो ठीक, नहीं तो हम अपने घर की देसी मलाई भी यूज कर सकते हैं जो हम अपने घर से निकालते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा इसमें जब ऑयल छोड़ दे, तेल आ जाए, उसके बाद में सब्जियां इसमें ऐड करनी है, सब्जी और पनीर। 5 मिनट हो गया है, इसमें ऑयल छोड़ दिया है, अब हमको इसमें सब्जियां जो हमने प्याज और शिमला मिर्च काटा हुआ था उसको इसमें ऐड करना है। फिर इसमें हल्का सा जो पनीर काटा है उसको इसमें, अब इसको 2 मिनट चलाने के बाद में इसमें हल्का सा पानी ऐड करना है। यह हमारा कढ़ाई पनीर तैयार हो गया, 2 मिनट के लिए ढक दिया। यह हमारा कढ़ाई पनीर बनके रेडी हो गया।